छात्रा की मौत हुई है। छात्रा का नाम तान्या सोनी बताया जा रहा है। छात्रा बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली थी। तान्या का नवीनगर में पैतृक घर है। पिता तेलंगाना में इंजीनियर हैं। तान्या की मौत से परिवार सदमे में है। बताया जा रहा है कि आज छात्रा का शव औरंगाबाद पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट। शनिवार की रात जिन तीन विद्यार्थियों की मौत हुई है उनमें से एक छात्रा तान्या सोनी उर्फ तनु बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर की रहने वाली थी। 24 साल की तान्या करीब डेढ़ साल दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इस घटना की जानकारी मिशन के बाद परिजन सकते में आ गए। उन्होंने फोन कर दिल्ली के अपने परिचितों से कुछ जानकारी जुटाई तो पता चला कि तान्या की मौत पानी में डूबने से हो गई है। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। वो जेएनयू में बीए कर रही थी और उसके बाद आईएएस की तैयारी कर रही थी। उसको पोएट्री में बहुत इंटरेस्ट था और परफॉर्मेंस ये सब वो कॉलेज में करते रहती थी। तान्या औरंगाबाद जिले के नवीनगर पंचायत क्षेत्र के मस्जिद गली निवासी विजय सोनी की बेटी थी। नवीनगर में पैतृक घर पर जब हादसे की सूचना मिली तो मृतका के दादा गोपाल प्रसाद सोनी रोने बिलखने लगे। रविवार की सुबह होते होते पैतृक आवास पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। तान्या का एक छोटा भाई आदित्य सोनी हैदराबाद और छोटी बहन पलक सोनी उर्फ गुनगुन इलाहाबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। मृतका के माता पिता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि सोमवार को छात्रा का शव औरंगाबाद आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।